क्योंकि ये प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह देते हैं और लिमिटिंग रीएजेंट भी कह देते हैं। मतलब आपने ये समझा देना है कि रेल का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअल में हो रहे हैं उनके अंदर जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने कैसे दोनों के को लिहाज से कहें। इक्वेशन बना के देखे, जिसके लिहाज से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो जो है एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और जिसके लिहाज से कम बन रहे होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो कम के लिहाज से बन रहे हैं, ज्यादा के लिहाज से कभी भी नहीं बन सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में भी देखेंगे और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 14 जो है आज हमने देखना है। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो रह जाएगा यील्ड के बारे में, उसको कम्प्लीट करके हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअल में होता क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो भी हमने देखनी है, उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, और लास्ट में आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हमने देखना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है जी, तो वो हमने देखना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले, तो डेफिनेशन की पहले हेडिंग दे देते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअल में होता क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है इज द फर्स्ट रिएक्टेंट, ये वो पहला रिएक्टेंट होता है दैट इज यूज्ड अप इन रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर वो पहला रिएक्टेंट जो इस्तेमाल हो जाता है पूरे का पूरा, ठीक है जी, ऑल यूज्ड अप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, तो पूरे का पूरा जब इस्तेमाल हो जाता है वो पहला रिएक्टेंट, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। एक रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद है, उसके अंदर ए बी सी लेट से मैं कह देता हूँ, अब बी जो है वो पहले कंज्यूम हो जाता है और ए और सी जो है वो बच जाते हैं, तो डेफिनेटली बी जो है उसे हम क्या कहेंगे कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट जो है वो डेफिनेशन का ये हो गया है कि इज़ द फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज़ ऑल यूज्ड अप इन अ रिएक्शन, और इसके आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बनेगा कि when it is used up द केमिकल रिएक्शन स्टॉप, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, केमिकल रिएक्शन स्टॉप एंड नो मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, अब जो है प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट जो है डेफिनेशन का वो हमने देखा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज ऑल यूज्ड अप इन अ रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहले इस्तेमाल हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब बी जो है वो इस्तेमाल हो गया, अब ए और सी बचे हैं, तो डेफिनेटली ए और सी जो है आपस में मिलकर जो है जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए फिर क्या होगा कि व्हेन इट इज यूज्ड अप तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड नो मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं बनेंगे। तो इस तरह हम एक और पॉइंट यहां पर डेफिनेशन के अंदर बना सकते हैं, हेंस इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो है क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मतलब लिमिट कर रहा है प्रोडक्ट जो है कितना बनेगा, कितनी मिकदार के अंदर बनेगा, ये लिमिट कर रहा है। बाकी ए और सी जो है लेट से मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी के अंदर मैंने बी को लिमिटिंग रिएक्टेंट रखा है, तो ए और सी तो अभी बचे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मजीद प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन बी जो है वो क्या कह रहा है कि बस अब हो गया है, तो अब रिएक्टेंट जो है मजीद रिएक्ट नहीं कर सकते, आगे प्रोडक्ट मजीद नहीं बन सकते, तो ये क्या कर रहा है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको मतलब ये लिमिट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह देते हैं और लिमिटिंग रीएजेंट भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, जो कि आपने तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद रख लेना है, और तीनों पॉइंट्स को आपने जब भी डेफिनेशन आएगी तो तीनों पॉइंट्स को आपने लिखना है, ठीक।
ठीक है जी। तो अगर आपने आगे एग्जाम्पल देनी है तो एग्जाम्पल दे दें, लेकिन अगर ये तीन पॉइंट्स आप सही तरीके से लिख देंगे तो डेफिनेटली डेफिनेशन में पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेफिनेशन जब भी आती है, मतलब अकेली डिफाइन जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाता है, डिफाइन आइसोटोप्स आ जाता है और कोई भी डिफाइन आइटम आ जाता है, तो आपने डेफिनेशन के साथ दो पॉइंट्स लाजमी लिखने होते हैं, ठीक है जी। तो एफएसए के अंदर जो मार्जिन होता है वो दो पॉइंट्स का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी दो पॉइंट्स और कम से कम भी दो पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर पहली पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और तीसरा पॉइंट, एक डेफिनेशन का पॉइंट और दो वैसे पॉइंट हो गए, तो टोटल जो है डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है यहाँ पर। अगर आपने एग्जाम्पल देनी है तो दे सकते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल आपने देनी है, ज़्यादा बड़ा अगर शार्ट क्वेश्चन करेंगे तब भी नंबर कट जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हमने देखनी है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं पहले कि ये जो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टडी कर रहे हैं, ये कहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे पीछे वाला जो टॉपिक था हमने देखा था स्टोइकोमेट्री, ठीक है जी। तो स्टोइकोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस थी उनको हमने थ्योरी के अंदर देखा था, ठीक है जी। स्टोइकोमेट्रिक जो भी कैलकुलेशंस थी हमने कहाँ देखा था, थ्योरीज के अंदर देखा था। अब हम उनको अप्लाई कर रहे हैं रियल मतलब कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है जी। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है जी। तो जो हमने थ्योरी के अंदर स्टोइकोमेट्रिक पढ़ी थी, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस जो थी किसकी, स्टोइकोमेट्री की, अब उनको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, रियल कैलकुलेशंस के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस को कहाँ लेके जा रहे हैं, रियल कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस है और ये भी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस है। तो स्टोइकोमेट्रिक थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक रियल कैलकुलेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं हम, मतलब उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। अब रियल का मतलब क्या है, रियल का डेफिनेटली यही मतलब है कि हमने इसको जो अप्लाई करना है वो किसके अंदर अप्लाई करना है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर अप्लाई करना है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, रियल कहते हैं, ठीक है जी। रियल इन सेंस का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे लिमिट हो रहा है, रिएक्टेंट कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखनी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ एक्सप्लेनेशन के अंदर कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपने बताना है कि हमने जो पीछे जो स्टडी किया है स्टोइकोमेट्री के अंदर, आपने ऐसे नहीं लिखना पेपर के अंदर, आपने कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं थ्योरेटिकल जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती है, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं किसकी तरफ, रियल जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती है उसकी तरफ। रियल का मतलब आपने समझा देना है कि रियल का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअल में हो रहे हैं उनके अंदर जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे होता है, और कुछ जो है एक्सेस रिएक्टेंट वो हम आगे चल के देखेंगे वो क्या होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें प्रोडक्ट कैसे लिमिट होता है और बाकी रिएक्टेंट कैसे बच जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, ठीक है जी। तो ये आपने क्लियर कर देना है, तीन पॉइंट्स हो गए हैं। चौथा पॉइंट जो है अब इसके अंदर एक्सेस रिएक्टेंट की डेफिनेशन आने वाली है। तो वो कहता है चौथा पॉइंट जो है कि कुछ हम रिएक्टेंट को डेलिबरेटली, अब एक रिएक्शन चल रहा है ए बी और सी, तो इसके अंदर हम कुछ रिएक्टेंट्स को डेलिबरेटली मतलब आजादाना तौर पर हम खुद से जानबूझ कर क्या करते हैं, कुछ रिएक्टेंट को ज़्यादा लेते हैं और कुछ को कम लेते हैं, ठीक है जी। तो सम रिएक्टेंट्स आर डेलिबरेटली हम क्या लेते हैं, इन एक्सेस क्वांटिटी। तो ये चौथा पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट, सम रिएक्टेंट्स आर यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी और किस तरह, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। डेलिबरेटली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी दो रीजंस है, ठीक है जी। तो why the excess reactant is used, ठीक है जी। तो इसका ये पॉइंट बन जाएगा अब यहाँ पर कि कुछ रिएक्टेंट को हम एक्सेस क्वांटिटी के अंदर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने पर बच जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो द रिएक्टेंट्स विच आर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है जी। तो एक्सेस रिएक्टेंट की डेफिनेशन आपने लिखनी है यहां पर, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने लिखना है व्हाई एक्सेस रिएक्टेंट आर यूज्ड, व्हाई एक्सेस रिएक्टेंट्स आर यूज्ड। एक्सेस रिएक्टेंट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी हमारे पास दो रीज़न है,
ठीक है जी। तो दो रीजन कौन कौन सी है, एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कम मिकदार के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको बचाने के लिए, ठीक है जी, उसको कंप्लीटली इस्तेमाल करने के लिए। अब होता क्या है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंट्स या तीनों रिएक्टेंट्स जो है वो बच जाते हैं। तो उससे होगा क्या, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट जैसे बी है हमारे पास, वो कीमती प्रोडक्ट है, कीमती रिएक्टेंट है, उसको हम बचाना चाहते हैं, मतलब बचाने का मतलब ये नहीं है कि उसको इस्तेमाल नहीं करना देना चाहते, हम चाहते हैं कि वो सारे का सारा इस्तेमाल होकर प्रोडक्ट बनाए, वो वेस्ट के अंदर ना जाए, ठीक है जी। तो हम करते क्या है, वो जो कीमती प्रोडक्ट है, कीमती रिएक्टेंट है सॉरी, उस रिएक्टेंट को हम क्या लेंगे, थोड़ी मिकदार के अंदर लेंगे। अब जो साथ में हमारे पास क्या मौजूद होंगे, ए और सी, जैसे हम कह रहे हैं बी, अब हमने क्या लिया है, हमारा कीमती रिएक्टेंट था उसको हमने बचाना है तो उसको थोड़ी मिकदार में लिया है, और ए और सी को हमने ज़्यादा मिकदार के अंदर ले लिया है। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बी जो है वो पहले का पहले ही क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा सारे का सारा, मतलब वो जो है वेस्ट की फॉर्म में नहीं बचेगा, ठीक है जी। और ए और सी बच सकते हैं तो वो तो हमारे पास चीप वो है, हमारे पास सस्ते से जो है हमने इस्तेमाल कर रखे। तो डेफिनेटली जो है पहला जो पॉइंट हो जाएगा कि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स को पहले इस्तेमाल करने के लिए उनको हम कम मिकदार में ले लेते हैं, ठीक है जी। तो पहला जो है पॉइंट वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को इस्तेमाल करने के लिए, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स। तो कुछ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनको थोड़ी मिकदार में लेते हैं ताकि वो सारे के सारे इस्तेमाल हो जाए, बाद में वेस्ट के तौर पर ना बचे या कहीं जो है वो ज़ाया ना हो जाए प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर जो है वो क्या आ जाएगा कि कुछ रिएक्शंस को फास्टर करने के लिए, ठीक है जी, बिकम्स रिएक्शन फास्टर। तो कुछ रिएक्शन को फास्टर करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को ज़्यादा मिकदार के अंदर ले लेते हैं, जैसे कि अब लकड़ी को जला रहे हैं तो वैसे नॉर्मल जो है ऑक्सीजन का प्रेशर आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन अगर हम प्योर ऑक्सीजन डालते हैं डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर या जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो लकड़ी के जलने की जो रिएक्शन है वो तेज़ हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ऑक्सीजन की हमने कंसंट्रेशन क्या कर दी है, ज़्यादा कर दी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है, ठीक है जी। तो मतलब ये जो लकड़ी है वो ज़्यादा तेज़ी से जलेगी, तो मतलब रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो दो इसके रीजंस है कि एक्सेस रिएक्टेंट को हमने क्यों इस्तेमाल करने हैं। पहला रीज़न क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है, बाज़ुकात जो रिएक्टेंट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं और बाकी को ज़्यादा ले लेते हैं ताकि वो जो शॉर्ट है उसको हम आसानी से इस्तेमाल कर ले, वो वेस्ट के तौर पर ना बचे, ठीक है जी। और दूसरा कि रिएक्शन को बाज़ुकात फास्ट करने के लिए भी एक रिएक्टेंट को हम ज़्यादा ले लेते हैं, वो आप लीचैटलियर प्रिंसिपल के अंदर 9 चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं तो वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल के लिए ये ऐसा समझ लें कि जैसे लकड़ी को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मिकदार के अंदर लेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से लकड़ी जो है वो जलेगी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे हैं, पहले डेफिनेशन का पॉइंट देखा है, डेफिनेशन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पहला पॉइंट क्या है कि इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज ऑल यूज्ड अप इन अ रिएक्शन, जो कि सारा जो है इस्तेमाल हो जाएगा। When it is used up, chemical reaction जो है वो क्या हो जाएगा, stop हो जाएगा, तो no more products आगे जो है products वो नहीं बनेंगे। Hence it controls the amount of product, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, limiting reactant, मतलब limit करता है, control करता है product की amount को या concentration को। फिर उसके बाद explanation आ जाती है, explanation में 3 points यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आपने बताना है कि पहले जो है हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो है वो थ्योरेटिकल करते हैं, फिर उसके बाद उनको रियल सेंस के कैलकुलेशंस के अंदर अप्लाई करते हैं। रियल सेंस का मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रही है उसके अंदर कैलकुलेशंस को हमने क्या करना है, डील करना है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट आपने लिखना है कि कुछ रिएक्टेंट्स को हम क्या करते हैं, डेलिबरेटली जानबूझकर ज़्यादा लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं कि वाई एक्सेस रिएक्टेंट्स आर यूज, के एक्सपेंसिव जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको आसानी से जल्दी जो है वो इस्तेमाल हो जाए, उसका वेस्ट जो है वो ना बचे, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो जी बात। तो ये है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स के, सैंडविच फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन और ब्रेड रोल फॉर्मेशन, ये हमने 3 पॉइंट्स इसके देखने हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, सैंडविच फॉर्मेशन जो है वो हम देख लेते हैं। अब सैंडविच फॉर्मेशन आपके बुक के अंदर लिख रखा है और वाटर फॉर्मेशन भी लिख रखी है, लेकिन ब्रेड फॉर्मेशन जो है, ब्रेड रोल फॉर्मेशन जो है वो नहीं लिख रखी। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको
लिमिटिंग रिएक्टेंट का हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। कुछ स्कॉलर्स की बुक्स जो है, अदर गाइड बुक्स जो है, उसके अंदर बाकी एग्जांपल्स लिख रखी है केमिकल रिएक्शंस। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर एक एग्जांपल जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, सैंडविच फॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो वो स्टार्ट करते हैं। सैंडविच फॉर्मेशन ये कैसे होती है, तो इसके लिए हमने लेना है, लेट्स से मैं कहता हूं कि एक सैंडविच जो बनाना होता है, वन सैंडविच, एक सैंडविच जो बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करने होते हैं वो एक कबाब, ठीक है जी, और प्लस टू स्लाइसेस जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है जी, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो ये बता रही है कि एक सैंडविच के लिए हमें क्या चाहिए है, एक कबाब और दो स्लाइसेस, मतलब ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट, एक सैंडविच जो है वो बना देंगे। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे होगा इसके अंदर। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो कबाब और स्लाइसेस जो हमने रिएक्टेंट के तौर पर ले रखा है वो कितनी कितनी ली हुई है, हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने जो कबाब लिए है वो लिए है 30, ठीक है जी, और स्लाइसेस लिए हैं 58। कबाब कितने लिए हैं, 30, और स्लाइसेस कितने लिए हैं हमने, 58। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा, मतलब सामने से देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि स्लाइसेस जो है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर एक्सेस रिएक्टेंट होगा और कबाब जो है वो क्या होगा, कम रिएक्टेंट होगा। लेकिन आपने देखने से धोखा नहीं खाना, आपने हमेशा जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने करना क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने देखनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आपने देखना है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है और कौन सा कम प्रोडक्ट बना रहा है, वो हम आगे चल के देखेंगे भी सही कि कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने करना क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिहाज से देखना है। ठीक है जी, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है कि यहाँ पर जो है कितने स्लाइसिस होने चाहिए, दो स्लाइसिस प्लस वन कबाब जो है वो मिलकर क्या बनाता है, एक सैंडविच जो है वो बना देता है। ठीक है जी, अब एक सैंडविच जो है किस तरह बनता है, दो स्लाइसेस और एक कबाब से मिलकर क्या बनता है, एक सैंडविच बन जाता है। अब हम देखते हैं कि 30 कबाब कितने स्लाइस सैंडविच बनाना चाहते हैं और 58 स्लाइसेस जो है वो कितने कबाब सैंडविच जो है वो बनाना चाहते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि 30 जो है वो कितने बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक के कबाब के लिहाज से एक सैंडविच बन रहा है तो इसके लिहाज से कितने बनने चाहिए, यहाँ पर 30 बनने चाहिए। ठीक है जी, कितने बनने चाहिए, 30, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो कितने बनेंगे, 30 बन जाएंगे, और इसके लिहाज से जो है वो कितने बनने चाहिए, 58। दो स्लाइसेस के लिहाज से कितने बन रहा है, एक सैंडविच, तो 58 के लिहाज से कितने बनने चाहिए, 29 जो है वो बनने चाहिए। अब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो स्लाइसिस जो है हालांकि ज़्यादा मिकदार के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये क्या होगी, अनलिमिटिंग रिएक्टेंट होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कम अमाउंट जो है वो बना रही है। ये 29 बना रही है और कबाब क्या कर रहा है, 30 बना रहा है, तो ये जो है हमारे पास लास्ट में बच जाएगा, 29 सैंडविच बन जाएंगे और फिर उसके बाद एक कबाब जो है वो बच जाएगा, उसके लिए स्लाइसेस मौजूद नहीं होगी। तो ये जो है एक्सेस रिएक्टेंट होगा और ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर हम देखें वाटर फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी ऐसे ही आपने करनी है, वाटर फॉर्मेशन। अब वाटर फॉर्मेशन के अंदर कैसे कहता है वो, कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स से मैं कहता हूँ कि वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलती है और बना देते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बना देती है। ठीक है जी, और इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये होती है कि दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है मिलते हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल सॉरी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि मोल्स के लिहाज से कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। वो कहता है कि हमने जो है हाइड्रोजन कितना लिया है, 2 मोल, और ऑक्सीजन भी हमने कितना लिया है, 2 मोल लिया है। अब इसके लिहाज से आपने बताना है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अगर यहां पर अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन जो है वो दो ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है वो दो वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है, तो दो जो है वो कितने बनाएंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएगा। तो मतलब इसके लिहाज से जो है वो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और हाइड्रोजन के लिहाज से क्या बन रहे हैं, कम वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि इसके लिहाज से कम प्रोडक्ट बन रहे हैं और इसके लिहाज से क्या होगा, ये ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा होगा, एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो होगा।
ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास सैंडविच फॉर्मेशन का भी आ गया और वाटर फॉर्मेशन का भी आ गया। लास्ट हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, हमने देखना है ब्रेड रोल फॉर्मेशन के अंदर। ये मैंने डिटेल से आपको समझा रखी है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। अब उसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो मौजूद है, 6 कप ऑफ फ्लोर्स मौजूद है और 3 कप्स ऑफ वाटर मौजूद है। ठीक है जी, अब उसके अंदर आपने बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कौन सा है। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, कि 3 कप्स ऑफ फ्लोर जो है 1 कप ऑफ वाटर के साथ मिलके और 5 ब्रेड रोल बना देते हैं। ठीक है जी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हमने देखना है दोनों के लिहाज से, हम देखेंगे दोनों के लिहाज से। सिंपल आपका तरीका यह है लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने का कि आपने दोनों के लिहाज से इक्वेशन बना के देखे, जिसके लिहाज से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो जो है एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और जिसके लिहाज से कम बन रहे होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो कम के लिहाज से बन रहे हैं, ज्यादा के लिहाज से कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है जी, तो हम दोनों के लिहाज से 6 कप ऑफ वाटर के लिहाज से भी देखते हैं और 6 कप ऑफ फ्लोर के लिहाज से भी देखते हैं और 3 कप्स ऑफ वाटर के लिहाज से भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 कप्स ऑफ वाटर के लिहाज से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक जो है वो कितने बना है, 5 बना रहा है। ठीक है जी, तो 3 जो है वो क्या करेगा, हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बनाएगा, 15 ब्रेड रोल जो है वो बना रहा है। ठीक है जी, तो अगर इसको 3 ले लेते हैं तो डेफिनेटली ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, 9 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक जो है वो 3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, 9 के साथ रिएक्शन करेगा, और कितने बनाएगा, 15 ब्रेड रोल जो है वो बना देगा, क्योंकि एक के लिहाज से कितने बन रहे थे, 5, तो 3 के लिहाज से कितने बनेंगे, 15 बन जाएंगे। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं किसके लिहाज से, 6 कप ऑफ फ्लोर के लिहाज से। तो 6 कप ऑफ फ्लोर के लिहाज से, तो अगर इसको डबल कर रहे हैं तो ये भी हमें क्या चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 कप्स ऑफ वाटर चाहिए होंगे। और इसके लिहाज से अगर हम देखेंगे तो 3 के लिहाज से कितने बन रहे थे हमारे पास, 5, और 6 के लिहाज से इसको डबल किया है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो 10 ब्रेड रोल्स जो है वो बन रहे हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, 6 कप ऑफ फ्लोर्स, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्योंकि इसके लिहाज से कम प्रोडक्ट बन रहे हैं। और अगर हम इसको देखेंगे ना 3 कप्स ऑफ वाटर को, तो ये जो है क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा क्योंकि इसके लिहाज से ज्यादा ब्रेड रोल्स बन रहे हैं। ठीक है जी, तो मतलब ये क्या है, हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है। ये इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है, और ये क्या है हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट जो है मौजूद है। क्लियर हो जी बात। हालांकि मतलब सामने से देखने से ऐसा पता चलता है कि ये जो है एक्सेस के अंदर होगा और ये क्या होगा, लिमिट के अंदर मौजूद होगा, लेकिन जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल्स के लिहाज से हमने देखना है कि कौन जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट के मोल्स बना रहा है और कौन जो है वो कम बना रहा है, उसके लिहाज से हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास क्या, ब्रेड रोल की फॉर्मेशन हमने देख ली है, उसकी एग्जांपल देख लिया है। लास्ट में हमने देखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपने करना क्या है, बाज़ वक़्त क्या होता है कि मासेस वगैरह दिए होते हैं रिएक्टेंट्स के। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, रिएक्टेंट के जो मासेस है उनको हमने कन्वर्ट करना होगा मोल्स के अंदर। ठीक है जी, हम जो सारी कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं ये मोल्स के लिहाज से कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पर भी 2 मोल्स लिए थे, यहाँ पर भी हम नंबर्स को शो कर रहे थे। ठीक है जी, तो मोल्स को अगर मासेस के अंदर रिएक्टेंट जो है वो दिए गए हैं तो हमने क्या करना है, मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि हमने क्या करना है, मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। मोल्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद दूसरा पॉइंट जो है वो आपने क्या करना है, आपने दोनों के लिहाज से जितने भी रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है, हर एक के लिहाज से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनाकर देखनी है कि किसके लिहाज से कम बन रही है और किसके लिहाज से ज़्यादा बन रही है। और जिसके लिहाज से सबसे कम बनेगी, तीसरा पॉइंट जो है मैं बता रहा हूँ कि जिसके लिहाज से सबसे कम बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। दोबारा सुन ले, सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो है, अगर मासेज में गिवन है तो उसको हमने मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, रिएक्टेंट अगर मासेज में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मोल्स के अंदर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने हर एक के लिहाज से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाकर देखनी है और देखना है कि कौन जो है वो सबसे कम प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जो सबसे कम प्रोडक्ट बना रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वही जो है कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसके लिहाज से ही प्रोडक्ट बनने हैं, उससे ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, अगर हम यहां पर देखें, इसके लिहाज से 15 बन रहे और इसके लिहाज से 10 बन रहे हैं। अब 10 ही क्यों बनेंगे, 15 क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि 15 के लिए जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये 6 कप ऑफ फ्लोर, तो वो ज्यादा चाहिए,
9 कप्स ऑफ फ्लोर जो है वो चाहिए है, तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है नहीं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम इजाफी ऐड कर दें, क्योंकि फिर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो इसलिए क्या होगा कि हमने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बननी है, ना कि एक्सेस रिएक्टेंट के लिहाज से। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, या कंट्रोल रिएक्टेंट या रिएजेंट कह देते हैं। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है। डेफिनेशन की है हमने, डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर 1, 2, 3 यहाँ पर 3 पॉइंट्स किए हैं। चौथा पॉइंट हमने एक्सेस रिएक्टेंट के लिहाज से देखा है, और उसके भी 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि एक्सेस रिएक्टेंट को क्यों इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद 2 एग्जाम्पल जो है आपकी बुक के अंदर लिखी हुई थी वो हमने किए, सैंडविच फॉर्मेशन और वाटर फॉर्मेशन, और एक जो है मैंने डिटेल की फॉर्म के अंदर आपको बता दिया है ब्रेड रोल की फॉर्मेशन, और लास्ट में हमने 3 पॉइंट्स देखे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है यीस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।